चुराने आए हैं। क्या है कि गर्मी बहुत पड़ रही है और भाभी जी जो है वो बार बार नहा रही हैं और बीमार हैं, उनको कूलर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर अंगूरी का भी हाल ख़राब है, तो अब दोनों ने प्लान किया है कि किस तरह से कहीं से कूलर या एसी लाया जाए, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि सब बिक गया है माल पूरा। कानपुर की बुरी हालत है, तो उनके दिमाग में आता है कहाँ से ले। तो सक्सेना उनको आइडिया देता है कि मास्टर जी जो है उनके घर में कूलर लगा है, तो उस कूलर की चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद कूलर किसके घर में रखा जाए इसको लेके झगड़े होते हैं, तो डिसाइड होता है कि चलो तिवारी जी के घर में। तो तिवारी जी के घर में धीरे धीरे करके पूरा मोहल्ला पसर जाता है। अब आइडिया ये है कि कूलर इसलिए लगाया है कि किसी तरह से जो है जब सोएंगे तो कुछ ऐसा स्थिति बने कि भगवती जी भाभी जी के करीब सोएं और हम अनीता भाभी के, तो मतलब वो उसमें पूरी कॉमेडी है कौन कहाँ सोएगा। लेकिन बाद में कुछ गणित ऐसा बैठता है कि अंगूरी और अनीता भाभी साथ सोती हैं और ये दोनों साथ सोते हैं। तो फिर आगे कूलर किससे चुराया, क्या हुआ? हाँ, वो सारा फिर तहकीकात होगी तो हमारे ऊपर ही आएगा कि दोनों महाचोर हैं साले। हप्पू सिंह कहाँ रहेंगे? हप्पू सिंह भी जो है वो घूमते घामते यहीं आके सो जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कूलर चोरी? हाँ, उनको नहीं पता चलेगा, वो बाद में फिर पता चलेगा उन्हें। लेकिन फिर भाभी जी के सामने वो गिड़गिड़ाएंगे कि भैया देखो हमने तो आपकी मोहब्बत के लिए किया था जो किया था। तो इंडो लावा पाएगा ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।